हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही। जिस शिमला के शानदार वादियों में सैलानी सुकून में घूमते थे, आज वहां पुलिस का लाठी चार्ज और आग बरस रही है। संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा। लोग सदमे में हैं, पुलिस बेबस है और वाटर कैनन वाली गाड़ी भी इस प्रदर्शनकारियों के आगे बेदम दिखे। इस बीच हुए पथराव के बाद पूरा इलाका जंग में तब्दील हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथ में तिरंगा, जुबान पे जय श्री राम के नारे लगा रहे ये हिंदू संगठन के लोग हैं। ये संजौल में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने इस पर लाठी चार्ज कर दिया। वाटर कैनन वाली गाड़ी भी इस प्रदर्शनकारियों के आगे बेदम दिखे। जब पुलिस ने पानी की बौछार की, फिर भी हिंदू संगठन के लोग टस से मस नहीं हुए। शिमला के शानदार वादियों में बवाल, पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच झड़प, अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने जमकर काटा बवाल। क्या शिमला में भी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर? देवभूमि में उग्र प्रदर्शनकारियों ने पहले बैरिकेडिंग में लगी पाइप को खींच कर निकाला, फिर कुछ मिनट के मशक्कत के बाद बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद भीड़ टनल में जाने लगी और पुलिस बेबस हो चुकी है। आखिरकार पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारी पर लाठी चार्ज कर दिया। शिमला में ये प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने किया। संजौली इलाके में मस्जिद का अवैध निर्माण के खिलाफ आह्वान पहले से था और हिंदू संगठनों ने पूरे राज्य से 10,000 लोगों के शिमला पहुंचने को कहा था। बहरहाल हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, लिहाजा ऐसे होने का अंदाजा पहले से था, इसलिए पुलिस भी अलर्ट पे थी। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है, डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया, जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठी चार्ज आग बरस रही है। पता है आपको, अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। संजौली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, स्थिति बिल्कुल साफ है, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और सरकार ने भी यह कहा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिससे वहां की शांतिपूर्ण स्थिति प्रभावित हो जाए। जहां तक उस अवैध ढांचे के निर्माण का सवाल है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सुनवाई के बाद सरकार फैसला लेगी। हमने साफ तौर पर कहा है, अगर यह अवैध पाया गया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और इसे गिराया जाएगा। लिहाजा जब साल 2010 में अवैध मस्जिद निर्माण हो रहा था, तब बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे। फिर कांग्रेस की सरकार बनी, तब सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, तब भी इस अवैध ढांचे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए संजौली मस्जिद मामले में जितनी कांग्रेस जिम्मेदार है, उतनी ही बीजेपी।